हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रमिला, प्रमिला की रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आटा और बेसन से बनने वाले बिस्किट होममेड। तो चलिए चलते हैं अपने बिस्किट की रेसिपी में। हमने बिस्किट बनाने के लिए लिया है 1 कटोरी आटा। आप किसी भी कटोरी या मग से उससे अच्छे से नाप लें और उसे ले लें। कटोरी आटा ले लिया हमने और इसी कटोरी का हाफ ले लिया है हमने बेसन। इसको भी अपने बाउल में डाल देंगे और इसी कटोरी का हमने हाफ ले लिया है किसी भी शुगर और इसी कटोरी का हमने नाप के ले लिया है शुद्ध देसी घी। इसको भी इसमें डाल देते हैं। अभी 1 स्पून हमने बचा लिया है, जरूरत पड़ेगी तो इसको हम ऐड कर लेंगे। और 4 पिंच लिया है हमने इसमें नमक, ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं। अभी सबको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, ये हमारा देसी घी में ही बनेगा प्योर। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप वनस्पति भी यूज कर सकते हैं। अब इसको हम हाथ से मिला लेते हैं। खूब अच्छे से इसको हाथ से हमें मिक्स करते रहना है। जब अच्छे से हो जाएगा तो हमारा डो बढ़िया तैयार हो जाएगा। ये वो घी थोड़ा सा कम पड़ गया था तो हमने 2 स्पून इसमें और ऐड कर लिया है। बस अब अच्छे से इसको मिक्स हो जाएगा। ये जब हमारा डो इस तरह का बन जाए तो समझो बिस्किट के लिए तैयार हो गया है। अब हम इसकी बिस्किट बनाते हैं। अब हमें बिस्किट बनाने इक्वल तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमने लिए 1 टीस्पून। इसी से हम पहले गोले बना लेंगे इसमें लेकर, जिससे वो हमारे सभी बिस्कुट इक्वल बने। ऐसे बना लिए हमने गोले और इसको हम निकाल लेंगे इसमें से। ये हमने निकाल लिया है। इस तरह के हमें सभी गोले अपनी प्लेट में इक्वल रख लेने हैं। ऐसे लिया हमने इसको और इसी के अकॉर्डिंग हमने सारी करके ऐसे निकालते जाएंगे और सभी बिस्किट फिर हमारे एक साथ बन जाएंगे। बहुत इजीली ये हम आराम से निकल जाते हैं और बनाने में भी हमें आसानी रहेगी इससे कि हमारे बिस्किट निकल रहे हैं आराम से और इक्वल बने हैं। तो हमने ये सभी गोले बना लिए। अब हम इसकी बिस्किट का एक शेप देंगे। इसको हम इस तरह से ले लेंगे, ये हमने ले लिया है और इसको हल्का पुश करेंगे। ये हमने इसका ऐसा शेप बनाया। हम इसका सर्कल का शेप बना रहे हैं। सर्कल तो हमारे गोले हैं, हम इसको स्क्वायर का शेप देते हैं। इसको हम जब ऐसे एक शेप दे देंगे साइड से इसको, ये हमने कर दिया इसका स्क्वायर बना दिया। अब इसको हमें क्या करना है, एक नाइफ लेना है। नाइफ से हमें इसका डिजाइन बनाना है इस तरह से। ये हमने इसका डिजाइन बना दिया है, ये देखिए। आप इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। इसी तरह के हमें सारे डिजाइन बनाने और इसको हमें ऐसे उतार के अपनी ट्रे में रख लेना है। हम बिस्किट्स को कढ़ाई में बैक करेंगे और इसके लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें एक रख लिया है अपना इस तरह का तार वाला, कोई भी आप स्टैंड रख सकते हैं। और ये हम इसमें रखेंगे, हमने कैसी प्लेट ले ली है और इसके ऊपर हमने ये पेपर लगा लिया बटर पेपर। और इसको क्या करूँगा, हमारा 10 मिनट्स प्री हीट हो जाएगा, तब हम इसमें अपनी बिस्किट्स को बेक करेंगे। ये हमने दूसरा लिया, इसको हल्का सा पुश किया। अब चाहे तो इसको गोल भी बना सकते हैं। इसको ऐसे किया हमने, हल्का सा टेप करके इस तरह से कर दिया। ये हमारा स्क्वायर बन गया है, साइड से हमने ऐसे कर दिया। हम इसको किसी भी प्लेट पे रखकर या चकला प्लेट, हम कटोरी कुछ भी ले सकते हैं, उस पे ऐसे रख देंगे और ये शेप हमारी बन जाएगी। और फिर हम इसको चाकू से डिजाइन बना देंगे। ये बना दिया हमने डिजाइन। डिजाइन आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ये हमारा हो गया है तैयार। अब हमें क्या काम करना है, इसको हमने फिर से ऐसे निकाला और हमने हैंड टू हैंड अपने अपनी इसी प्लेट पर इसको सेट कर दिया है। हमारे सारे बिस्किट अच्छे से तैयार हो रहे हैं, हम इसको अच्छे से तैयार कर रहे हैं।
बस इसको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसको हमें कोई शेप देनी होती है, अदरवाइज तो और किसी चीज में टाइम नहीं लगता है। हमारे बर्तन भी काफी हीट हो गया है, अब हमें इसको निकाल देना है और अपनी गैस की फ्लेम को भी एकदम सिंपल कर देना है, एकदम लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो पे कर दिया। देखो हमारे बिस्किट भी बन गए, अब इसको हम बेक करते हैं। ये हमने इसका बेक कर दिया है, अपने इस तरह से हम इसको इसमें लगा देंगे ये इस तरह से करते हुए, और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। ये हमने कवर कर दिया है, हमारे 10 मिनट हो गए हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि 10 मिनट से पहले हमें इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। देखिए कलर हमारा बिल्कुल ब्राउन हो गया एकदम अच्छे से, जैसे बिस्किट का कलर होता है। अब इसको हम सिर्फ 5 मिनट और देंगे, 5 मिनट के बाद हम अपनी गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। हमारे 5 मिनट और हो चुके हैं, अपनी गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद और एक बार बिस्किट चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे बिस्किट तैयार हो चुके हैं, अब इनको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बिस्किट आटा बेसन के बन के तैयार हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर हैं, काफी अच्छा कलर आ गया है इनका। घर के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए बहुत अच्छे बिस्किट हैं हमारे ये। तो आपको हमारे बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, थम्सअप कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।